चिल्ड्रन, पिछले दिन के क्लास में मैं आपके लिए टेंस लेकर आया था और आज एक बार फिर उसका रिवीजन करके, और पिछले दिन हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था। आज के लिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव, आप देख रहे होंगे निगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस के स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके ट्रांसलेट करने के रूल्स को बताऊंगा। हमने आपके लिए पहले यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। फर्स्ट मेरा एग्जांपल है, वह नहीं पढ़ता है। दूसरा एग्जांपल है, तुम नहीं खेलते हो। तीसरा एग्जांपल है, मैं नहीं टहलता। आप देख रहे होंगे कि मैंने हरेक सेंटेंस में डूअर को, यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया है, और ऐसा इसलिए कि आप यह समझ सकें कि इफ द डूअर इज फर्स्ट पर्सन व्हाट वर्ब शुड बी यूज्ड विथ इट। अगर डूअर फर्स्ट पर्सन का है तो उसके साथ कौन सी क्रिया लगाई जाए, सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, एंड सो ऑन, तो उसके साथ किस वर्ब को पुट किया जाएगा। इसके लिए ही मैंने हम डिफरेंट पर्संस के एग्जांपल यहां लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, वह नहीं पढ़ता है, हमने इसको ट्रांसलेट किया है ही डजंट रीड। सेकेंड बना है, तुम खेलते नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले। थर्ड है, मैं नहीं टहलता हूं, आई डोंट वॉक। और लास्ट यानी फोर्थ एग्जाम्पल है, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डोंट गो। आप देख रहे होंगे कि किसी में, यानी फर्स्ट सेंटेंस में हमने डजंट का प्रयोग किया है और बाकी में डोंट का प्रयोग किया है। हम स्ट्रक्चर यहां लिखेंगे अभी आपके लिए। ये है नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल और इसका ट्रांसलेट किया हुआ। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ब्रीफ करने का प्रयास किया है और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। यू हैव बी ऑलरेडी बीन रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने इसे पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आई नो इट बिकॉज आई डाउट इट, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने आपको इसे पढ़ाया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जांपल जो मेरा है यह है, क्या वह पढ़ता है। सेकंड एग्जांपल है, क्या तुम खेलते हो। थर्ड एग्जांपल है, क्या मैं टहलता हूं। और फोर्थ एग्जांपल है, क्या लड़के खेलते हैं। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि हमने जो इसका सब्जेक्ट रखा है, डूअर्स जो है वह डिफरेंट है, एक ही पर्सन का नहीं है, एक ही नंबर का भी नहीं है। आप फोर्थ को देखें, यहां लड़के लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर है। आप फर्स्ट को देखें, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसे आप भली भांति जानते हैं, ये सेकेंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। बोथ आर इन सिंगुलर फॉर्म, ये दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में है। और हमने इसको ट्रांसलेट किया है, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। थर्ड, क्या मैं टहलता हूं, डू आई वॉक। और फोर्थ, क्या लड़के खेलते हैं, डू बॉयज प्ले। इसको हमने सेंटेंस को आपके लिए सॉल्व कर दिया है। आप इनमें से किसी ऐसे वर्ब्स या नाउंस नहीं है जिसे आप नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, बस समझना इतना ही है कि हमने डू इसके साथ और डज इसके साथ क्यों लगाया। तो इसका सीधा स्ट्रक्चर मैं यहां लिख देता हूं, आप उसे स्ट्रक्चर को देख करके समझ सकते हैं। सिंपली आपको यह समझना है कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा भी है पर्संस को, जिसमें हमने ब्रीफ किया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब,
थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब को टेक करता है। इट इज व्हाई दैट आई हैव यूज्ड डज आउट विद ही, और यही कारण है कि मैंने ही के साथ डज आउट का यूज किया है। बिकॉज वेन एस एंड ई एस इज पुट विद द वर्ब दैट टाइम वर्ब बिकम्स सिंगुलर एंड अपोजिट ऑफ इट वेन एस एंड ई एस आर पुट टुगेदर विद ए नाउन वी गेट इट्स प्लुरल फॉर्म। यदि किसी क्रिया के साथ एस या ईएस लगा दिया जाता है तो हम उसका सिंगुलर फॉर्म प्राप्त करते हैं, और ठीक इसके विपरीत यदि हम किसी नाउन के साथ एस या ईएस को पुट करते हैं तो हमें उसका प्लुरल फॉर्म प्राप्त होता है। यू हैव ऑलरेडी बीन रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस, आपने इसे पिछली कक्षा में पूरी तरह से पढ़ लिया है, इसलिए ही आप यहां देख रहे हैं कि हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है तो डज आउट का यूज किया है और बाकी डोंट का यूज किया है। सिमिलरली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड प्लुरल वर्ब्स आर यूज्ड विद प्लुरल नाउन। सो आइए हम स्ट्रक्चर यहां लिख देते हैं, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप अपनी तरफ से यू हैव टू राइट एट लीस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस सच एज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के चार चार एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स यू हैव टू राइट, आपको लिखना है। इट इज योर होमवर्क। हम यहां पर स्ट्रक्चर को लिख देते हैं दोनों तरह के, आप इसे करके और अपनी कॉपी पर रखेंगे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये सहूलियत के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर यहां लिख दिया है एस प्लस डज नॉट प्लस वी वन। यह स्पेशल स्ट्रक्चर है और इसके लिए यहां हमने लिख दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए स्ट्रक्चर है और बाकी सब के लिए चाहे वह थर्ड पर्सन का प्लुरल हो या किसी पर्सन का सिंगुलर या प्लुरल हो तो उसके लिए है एस प्लस डू प्लस नॉट प्लस वी वन। इफ एनी वर्ड्स आर, यदि इसके साथ किसी दूसरे शब्द का यूज किया गया है तो यह वी वन के बाद आएगा, उसका स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे। और इसके लिए स्ट्रक्चर मैं यहां लिखता हूं, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर है। पहले आपको डू या डज का यूज करना है, इसके बाद सब्जेक्ट का, इसके बाद वर्ब वन का यूज करना है। और आपको खुद से समझना है कि यदि इसमें डज आउट भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ लगता है तो यहां भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। यही स्ट्रक्चर इसका है, इस स्ट्रक्चर पर आपको इसका एग्जांपल लिख करना है, रखना है। आज के क्लास में आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।